खम्मा गणी हुकुम आर्यवृत्री कहानियों में आपरो स्वागत है। आज मैं अपने सुनावण जा रही हूँ गणेश जी री कथा। तो चलो शुरू करा। एक माँ बेटी थी, वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पंथवारी, तुलसी माता, पीपल इनकी पूजा करती, कहानी कहती, फिर जीमती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उस लड़की को देखने आया और उस डोकरी से बोलिया, डोकरी थारी लड़की रो ब्याव करे। तब डोकरी बोली कि मारी छोरी के तो नेम व्रत बहुत चले, कोई नेम वालों होएगो जिसके साथ मारी छोरी जावेगी। वे बोलिया, कोई नेम है थारी छोरी का? वह रोज पीपल, पंथवारी, सूरज भगवान, विनायक जी, सभी देवता की पूजा कहानी करके जिम्मे है। तो वे बोलिया कि हम नेम निभावंगा, आपकी लड़की मारे दे दो। इतना कहने के बाद डोकरी ने अपनी लड़की के उनके साथ शादी करके ससुराल भेज दी। अब वह लड़की रोज अपने नेम व्रत पूरा करके रोटी जीमती। एक दिन घर में सबकी लड़ाई हो गई। सासू, ननंद, देवरानी, जेठानी कहने लगी, आप तो सब देवी देवता की पूजा करके समय खत्म करे, मैंने कोई पाप करया जो सबका काम धंधा करो, कई हमारे नौकर समझ गया। दूसरे दिन वह लड़की रोज की तरह नाए धोए के चौपड़ा लेकर पूजा करने लगी। इतने में सासू ननंद बोली, कहाँ चली, कल इतनी लड़ाई हुई, चौपड़े रख दो और घर को काम करो, पूजा पत्री बंद करो। इतना सुनते ही उन्हें सब जहाँ का त्यां रख दिया और कमरा में जाकर सो गई। एक दिन सूती, दो दिन सूती, तीसरे दिन भगवान उसके सपने में आया और बोलिया कि कई बात है, तू क्यों सूती है? सूती भी नहीं, जागी भी क्यों नहीं, चिंता में पड़ी हूँ। भगवान बोलिया कि थारी चिंता मेट और उठकर जीम ले। जब वो बोले कि हे भगवान, कई जीमू, सासू बाहर नहीं जावण देवे और मैं अब तक आपकी पूजा कहानी नहीं बोलूं, जब तक कैसे जीमू, मारी नेम खंडित नहीं करूं। जब भगवान बोलिया कि उठकर आँखिया खोल, थारा कमरा में ही सब देवता है, नहा धोकर यही सब की पूजा कर ले। तब वह उठी, उठकर पेटी खोली तो उसमें एक से डिब्बा निकला और उसमें देखे तो सूरज भगवान घोड़ा पर आया, विनायक जी जाड़ के नीचे बैठिया है, पंथवारी माता दूध दही में नहा रही है, तुलसी माता हरी बैठी है, सभी देवता वहाँ विराजमान हैं। वह जट नीचे गई, चौपड़ा लई, गेहूँ लई और पूजा कहानी करके जीमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूटी रानी ने कौन मनावे, अपने आप ही आ गई नीचे। वे बोली, अब कहाँ गया नेम धर्म, सब दरिया रह गया। तो वह बोली, चलो मारे कमरा में। आगे आगे बहू चली, पीछे पीछे सब सासू ननंद देवरानी जेठानी। उनका सामने पेटी खोलकर डिब्बी निकाले, उसमें सारा ही भगवान अपने अपनी जगह विराजमान है। जब सासू उठी और बहू का पाँव पकड़ने लगी तो बोली, सासू जी, आप देवता का पाँव पढ़ो, मैं आपका पाँव पढ़ू, विनायक जी महाराज उसके टूटिया जैसे सबके टूट जो, और अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी हुए तो मान कर जो। अगर आपने मारी आ कथा पसंद आई वे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो।